सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का यह पवित्र नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णित है। इस नारायण कवच की रचना किसके आग्रह पर किनके द्वारा हुई, आइए इसकी कथा सुनते हैं। तत्पश्चात श्री नारायण कवच का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है जब राजा परीक्षित श्री भागवत पुराण की कथा सुन रहे थे, तब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवन देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर असुर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर स्वर्ग पर राज किया और त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए। परीक्षित के इस प्रकार की हरि भक्ति देखकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब देवराज इंद्र के द्वारा अपमानित किए जाने से देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग कर दिया, तो देवताओं ने दक्ष पुत्री अदिति के वंशज विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बना लिया। देवराज इंद्र ने विश्वरूप जी से आग्रह किया कि आप मुझे कोई ऐसा साधन बतलाइए जिससे मुझे शत्रु भय से मुक्ति मिले और यश की प्राप्ति हो। देवराज इंद्र के इस प्रकार विनती करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। श्री सुखदेव जी नारायण कवच की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को सुनता है और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं, वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। यह वैष्णवी विद्या धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू देता है, वह तत्काल भयों से मुक्त हो जाता है। उसे राजा, डाकू, प्रेत पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भक्तजनों, सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण कवच का श्रवण करिए और इसका लाभ प्राप्त कीजिए। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। आठ हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करते हैं। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करते हैं। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें, जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करते हैं। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय
योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी उपत्य से जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक अपवादों से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांशन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र अर्थात रथ के पहिए की तरह, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं या तो धान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आपने सैकड़ों चंद्राकार मंडल है, आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। अनिष्टकारी ग्रह धूमकेतु
अर्थात पुच्छल तारे, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करते हैं। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार श्री विश्वरूप जी ने नारायण कवच से देवराज इंद्र को सुरक्षित किया। तो भक्त जनों, आप भी इस नारायण कवच के पठन पाठन एवं श्रवण से स्वयं को एवं अपने माता पिता तथा प्रिय जनों को भक्त वत्सल श्री हरि नारायण की छत्र छाया में सुरक्षित करें। मेरे साथ बोलिए, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरि, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरि, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें ओम नमो नारायण और मन सरोवर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।